everyone, this is Monica here and welcome to my channel Speak English with Monica. Today we are going to talk about subject and an object in a sentence. Basically English mein koi bhi sentence ko hum do part mein divide kar sakte hain. Ek subject and dusra predicate. But ek aur option hota hai object jo bahut kam log jante hain. But ye bahut important hota hai. और कुछ लोग जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि कोई सेंटेंस पे सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट, वो पहचानने में कंफ्यूज कर देते हैं या उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है. तो चलिए आज हम समझते हैं एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और कोई भी सेंटेंस में इसे कैसे पहचाना जा सकता है. उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बेसिकली कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में बात की जाए या जो कोई वर्क कर रहा हो. अ प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, इसमें ही गोज टू स्कूल में ही इज सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि ही के बारे में बात की जा रही है. और जो रिमेनिंग पार्ट है गोज टू स्कूल इज नोन एज प्रेडिकेट. बेसिकली प्रेडिकेट इज अ फैंसी वर्ब फॉर वर्ब. वर्ब के लिए एक फैंसी वर्ड दिया गया है, जो वर्ब होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, बट अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा हो, जिस पर वर्क किया जाए, अपॉन हुम द वर्क इज डन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं राम स्लैब्ड हिम, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? राम. तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट. राम ने क्या एक्शन किया? स्लैपिंग का. वो क्या हो गया? प्रेडिकेट. बट ये कार्य किस पे किया गया? हिम पे. तो हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो राम स्लैप्ड हिम में राम इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि राम इज डूइंग द वर्क, जो वर्क करेगा, और जिस पे वर्क होगा वो होता है ऑब्जेक्ट. तो किस पे वर्क हो रहा है? हिम पे वर्क हो रहा है, इसलिए हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव फॉर्म में लिख दू तो ही वॉज स्लैप्ड बाय राम. अब जनरल टेंडेंसी क्या होती है ना, अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया होता है तो हमारे माइंड में से बना होता है कि सेंटेंस में जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेडिकेट एंड देन फिर ऑब्जेक्ट. ये एक जनरल वो होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कोई सेंटेंस होगा. इसलिए क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो फर्स्ट थिंग आता है उसे उसको सब्जेक्ट बोल देते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है. वो कैसे? हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा. ही वॉज स्लैप्ड बाय राम, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कर रहा है राम. राम क्या एक्शन कर रहा है? स्लैपिंग का. और राम किस पे एक्शन कर रहा है? ही पे. तो हालांकि ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में है बट ही इज एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट अ सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट है राम एंड ही इज द ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जो पहले आएगा वो ही सब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जा रहा है और सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है. ऑब्जेक्ट पे उस काम का इफेक्ट पड़ता है और ऑब्जेक्ट पे जब इफेक्ट पड़ता है, जिस पे वो इफेक्ट पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज ही हैज गिवन मी हिज बुक फॉर अ डे. ही हैज गिवन मी हिज बुक फॉर अ डे. तो ही कौन काम कर रहा है या किसके बारे में बोला जा रहा है? ही के बारे में. तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट. ही किस पे काम कर रहा है? मी. और ही क्या काम कर रहा है? बुक देने का. राइट तो इसमें बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ही किस पे कर रहा है? मी पे. तो मी भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो ऐसे सिचुएशन में जो बुक है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी जो है वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ही क्या काम कर रहा है? बुक देने का. और किसको दे रहा है? मी को. तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है. इज इट क्लियर? चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. रीता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? रीता के बारे में. तो रीता हो गई सब्जेक्ट. अब रीता के बारे में क्या बात की जा रही है? कि शी गोज टू स्कूल एवरी डे. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्कूल नहीं हुआ.
जनरली सेंटेंस देख के लगता है कि रीता सब्जेक्ट होगी, स्कूल ऑब्जेक्ट होगा, बट क्या रीता स्कूल पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, स्कूल पे कुछ काम कर रहा है, स्कूल पे उस काम का कुछ इफेक्ट हो रहा है? नहीं, रीता तो सिर्फ स्कूल जा रही है बट स्कूल पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए स्कूल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहीं पे बहुत ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेंटेंस पढ़ते हैं रीता गोज टू स्कूल एवरी डे, रीता सब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट, डन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगली बार से जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि क्या वो एक्शन का इफेक्ट उस पर हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। दे एंजॉय इन द पार्टी, तो कौन एंजॉय कर रहे हैं? दे, तो दे तो हो गए हमारे सब्जेक्ट। दे एंजॉय कर रहे हैं किसमें? पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, बट क्या एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट का इफेक्ट किस पे हो रहा है पता नहीं, राइट? इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए दे सब्जेक्ट है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब अगर हमने यहां पे कंजंक्शन डाल दिया, प्रीपोजिशन डाल दिया, तो उससे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब वो पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं बट एंजॉयमेंट का इफेक्ट किस पे है वो नहीं हो रहा। क्लियर है ना? लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, दे एंजॉय द पार्टी, वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एंजॉय पार्टी, तो दे का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एंजॉयमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पार्टी पे। इसलिए इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है और पार्टी है ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करें। एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया। सपोज एक एग्जांपल है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स क्या कर रही हैं? फ्लाई कर रही हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्काई क्या ऑब्जेक्ट हुआ? नहीं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, सिर्फ वो फ्लाई कर रही है, मतलब फ्लाइंग इज अ वर्ब। उसका इफेक्ट किस पे हुआ, किसी पे हुआ? नहीं। तो इसमें बर्ड्स आर फ्लाइंग में सिर्फ बर्ड्स आर द सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? आई होप अब आपको ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का फंडा क्लियर हो गया हो और अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।